तो गाइस ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो बचपन से पायरेट किंग बनना चाहता था, लेकिन बहुत सारे पायरेट इसका खूब मजाक उड़ाया करते थे। फिर एक दिन इसने अचानक से डेविल फ्रूट खा लिया और इसके पास एक अजीब सी रबर जैसी शक्ति आ गई। तो चलो देखते हैं आखिर ये पायरेट किंग कैसे बनता है। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें एक पायरेट के बारे में बताया जाता है जिसने अपना पूरा जिंदगी का खजाना एक जगह पर रखा था और उस जगह का नाम था वन पीस। और जो भी इस खजाने को हासिल कर लेगा वो पायरेट किंग कहलाएगा। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि दुनिया भर में जितने भी पायरेट्स होते हैं उस खजाने को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर हम देखते हैं कि दो आदमी समुद्र में देख रहे होते हैं और उन दोनों को समुद्र में डूबा हुआ एक लकड़ी का ड्रम दिखता है जो कि पानी में तैर रहा होता है। इसके बाद फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि शिप के अंदर पार्टी चल रही होती है और वहाँ पर सभी लोग डांस कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक ऑरेंज बाल वाली लड़की से एक लड़का डांस करने के लिए पूछता है। इधर हम देखते हैं कि वो दो आदमी उस बक्से को निकालने की कोशिश करते हैं। तभी उनका कमांडर देखता है कि उनके तरफ एक शिप आ रहा है और उसी वक्त वो दोनों भी उस बक्से को निकाल लेते हैं। उसका कमांडर काफ़ी घबरा जाता है, उसे लगता है कि वो एक पायरेट का शिप है और उसका ये सोचना बिल्कुल सही था क्योंकि वो एक पायरेट शिप ही था। और फिर हम देखते हैं कि वो शिप अचानक से उन पर हमला कर देता है और उसके हमला करने के बाद हम शिप के अंदर देखते हैं कि अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। और ये देखकर वो सारे के सारे पायरेट्स काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उनका निशाना बहुत ही सही जगह पर लगा था। और इधर हम उस बक्से को देखते हैं जिसे उन दोनों ने निकाला था, वो लुढ़कते हुए बेसमेंट में चला जाता है। और दूसरे शिप पर जो पायरेट होते हैं वो रस्सी डालकर उस शिप पर हमला कर देते हैं, लेकिन उनमें से एक पायरेट डर जाता है और वो वहीं पर रुक जाता है। लेकिन जो पायरेट की लीडर होती है वो उसे उस शिप पर जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो उस शिप पर जाने के लिए इनकार करता है। इस पर वो उसे एक लात मारकर फेंक देती है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि हमने जिस ऑरेंज बालों वाली लड़की को देखा था वो अपने कपड़े उतारती है और वो अपने पायरेट के ड्रेस में आ जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि ये लड़की भी एक पायरेट है। और इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो पिंक बालों वाला लड़का है वो उस बक्से के पास जाता है। और उधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वो ऑरेंज बालों वाली लड़की पायरेट शिप में इंटर कर जाती है और वहाँ पर पहुँचते ही वो कुछ पायरेट्स को मारने लगती है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो जो पिंक बालों वाला लड़का होता है वो उस बक्से को ले जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर दो पायरेट्स आ जाते हैं और फिर वो दोनों कहते हैं आखिर ये क्या है। इस पर वो पिंक बालों वाला लड़का कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं, ये तो बस एक शराब का कंटेनर है। और तभी उनमें से एक मोटा पायरेट उस बक्से को तोड़ने की कोशिश करता है। और तभी हम देखते हैं कि उस बक्से में से अचानक से एक लड़का बाहर निकलता है और उसकी वजह से उस मोटे पायरेट को एक घूसा पड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और जैसे ही वो लड़का उस कंटेनर से बाहर आता है वो उन दोनों पायरेट से पूछता है हे तुम दोनों आखिर कौन हो। तभी वो दो पायरेट्स बोलते हैं क्या ये आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, आखिर तुम कौन हो। तभी वो लड़का पिंक बालों वाले लड़के से बोलता है हे सुनो तुम, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी वो दो पायरेट्स बोलते हैं तुम हमें इग्नोर कर रहे हो, हम बहुत ही खतरनाक पायरेट हैं। और ये कहने के बाद वो दोनों उस लड़के पर अपना तलवार से हमला करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़का उन दोनों के अटैक को फेल कर देता है और उन दोनों की तलवार हवा में ही अटक जाती है। इस पर वो लड़का कहता है हे क्या तुम मुझे बताओगे, आखिर तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। इस पर वो पिंक बालों वाला लड़का कहता है हे क्या तुम मुझे बताओगे, आखिर तुम हो कौन। इस पर वो टोपी वाला लड़का कहता है मेरा नाम मंकी डी लूफी है और मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर हम देखते हैं कि लूफी से डरकर वो दोनों पायरेट अपने मोटे साथी को लेकर भागने लगते हैं। तभी वो पिंक बालों वाला लड़का कहता है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, वे लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं,
तुम अकेले उनका सामना नहीं कर सकते, ये लोग तुम्हें मार देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि लूफी उसकी बात को इग्नोर करता है और वहाँ से खाने की तलाश में निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि लूफी खाने की तलाश में बेसमेंट में पहुँच जाता है और वहाँ पर उसे एक सेब की पेटी मिलती है। लूफी बिना समय गवाए उस सेब को खाने लगता है और तभी हम देखते हैं कि वो पिंक बालों वाला लड़का लूफी से कहता है कि मैंने तुम्हें तो अपना नाम बताना ही भूल गया, मेरा नाम कोबी है। तभी लूफी कहता है, हे क्या तुम मुझे बताओगे आखिर ये शिप है क्या, क्या ये एक पायरेट शिप है? तभी कोबी बोलता है, नहीं नहीं, ये दरअसल एक पैसेंजर शिप है और लोग यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए आते हैं। लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर तुम कहाँ से आए हो? इस पर लूफी कहता है कि दरअसल बात यह है कि मैं एक बवंडर में फंस गया था और मैं वहाँ से बहुत ही मुश्किल से निकल कर आया हूँ। इस पर कोबी कहता है कि क्या ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने तो सुना था कि उस बवंडर से कोई भी बच नहीं पाया था। और तभी हम देखते हैं कि लूफी हंसने लगता है और कहता है मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना था। तभी लूफी कोबी से कहता है कि वैसे क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो, क्या तुम भी एक पायरेट हो? इस पर कोबी कहता है कि नहीं, मैं पायरेट तो नहीं बनना चाहता था, दरअसल मैं अपने शिप में फिशिंग कर रहा था, तभी ये लोग मुझे किडनैप करके यहाँ पर ले आए। इस पर लूफी कोबी से कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम इनसे कहते क्यों नहीं मुझे पायरेट नहीं बनना, फिर शायद ये लोग तुम्हें जाने दें। इस पर कोबी कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, हमारी लीडर बहुत ही ज़्यादा बेरहम है, वो मेरी जान ले लेगी अगर मैंने ऐसा कहा तो। इस पर लूफी कहता है कि एक बात बताऊं कोबी, तुम एक डरपोक इंसान हो और मुझे तुम जैसे इंसानों से नफरत है जो कि अपना सपना पूरा नहीं कर सकते। और जैसे ही ये बात लूफी कहता है तभी कोबी लूफी से कहता है, क्या तुम मुझे बताओगे आखिर तुम क्या बनना चाहते हो? तभी लूफी बोलता है, हाँ मैं दरअसल पायरेट किंग बनना चाहता हूँ, दुनिया में जितने भी सारे पायरेट्स हैं मैं उन सभी का किंग बनना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद कोबी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी कोबी बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पायरेट किंग बनने के लिए वन पीस के खजाने को ढूंढना होगा और ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है लूफी। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि लूफी कोबी के सर पर एक मुक्का मारता है और फिर वो कहता है कि हे मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है लेकिन मुझे इसी में ही मज़ा आता है, फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे वो खजाना मिले या ना मिले, मैं तो इस सफ़र का मज़ा लूँगा और इसके लिए चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, मुझे इन सभी मुश्किलों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ये ज़रूर करूँगा। लूफी को ऐसा कहते देख कोबी बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है और फिर वो कहता है कि पता नहीं मैं तुम जैसा बहादुर आखिर कब बन पाऊँगा, मैं तो बहुत ही ज़्यादा डरपोक हूँ और पता नहीं मैं कब तक इसी तरह से डरपोक बनकर रहूँगा। इस पर लूफी कहता है, अब ये बात भला मुझे कैसे पता होगी कि आखिर तुम कब ताकतवर बनोगे। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक धमाका होता है, लूफी के चारों तरफ चाकू निकलने लगते हैं क्योंकि उस पर उन पायरेट्स ने हमला कर दिया था। और तभी हम देखते हैं कि कोबी के सामने उस शिप की लीडर आती है और फिर वो कोबी से कहती है, तो बताओ इस दुनिया में सबसे खूबसूरत लेडी कौन है? कोबी जैसे ही जवाब देने वाला होता है उससे पहले ही लूफी कहता है, क्या तुम इस मोटी औरत के बारे में बात कर रहे हो? और ये बात सुनने के बाद वहाँ पर सभी के सभी पायरेट काफ़ी शॉक रह जाते हैं क्योंकि आज तक किसी ने भी उस लेडी से इस तरह से बात नहीं की थी। और तभी हम देखते हैं कि लूफी हवा में जंप मारता है और कोबी को वहाँ से ले आता है और फिर वो एक पायरेट को काफ़ी ज़ोर का मुक्का मारता है, फिर उस शिप के सभी पायरेट लूफी के पीछे पड़ जाते हैं और लूफी उनसे भागने लगता है। भागते भागते लूफी कहता है कि ये भला आखिर तुम्हारा कैसा इंसाफ है? तभी कोबी लूफी से कहता है, तुम मुझे सच सच बताओ, तुम सच में एक इंसान ही हो? इस पर लूफी कहता है, नहीं मैं एक रबर मैन हूँ और मेरा शरीर बहुत ही ज़्यादा लचीला है,
तभी वो मोटी लेडी कहती है कि तुम मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने डेविल फ्रूट खाया है? डेविल फ्रूट? तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने गम गम डेविल फ्रूट खाया है, लेकिन मुझे सच में पता नहीं था कि वो एक डेविल फ्रूट है। मैंने ऐसा बस कहानियों में सुना था। तभी कोबी की लीडर कहती है कि मुझे सच में यकीन नहीं होता कि डेविल फ्रूट वाकई में होते हैं। और इधर हम देखते हैं कि वो ऑरेंज बालों वाली लड़की पायरेट के शिप में से खजाने चुराकर भाग रही होती है। तभी कोबी लूफी से कहता है कि सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारी लीडर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो हम सबको मार देगी। तभी लूफी कोबी को बहुत ही अजीब तरीके से देखता है। हमें इससे पता चलता है कि लूफी को किसी से भी डर नहीं लगता। इस पर कोबी सोचता है ये इस सिचुएशन में भी ऐसा कैसे रह सकता है। हम देखते हैं कि कोबी किसी तरह से हिम्मत जुटाता है और उसके मन में लेडी के लिए जो भी होता है वो सच सच बोल देता है। और कोबी बोलता है, हे तुम, तो सुनो तुम्हारी सच्चाई, तुम एक मोटी भद्दी और बेवकूफ़ औरत हो, और तुम बस कमज़ोरों पर शासन ही कर सकती हो, और इसके अलावा तुम कुछ नहीं हो। और तभी सारे के सारे पायरेट्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सभी पायरेट्स काफ़ी हैरान रह जाते हैं। इधर लूफी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तभी कोबी की लीडर गुस्से में आ जाती है और फिर वो लूफी के सर पर अपने हथियार से हमला करती है। लेकिन हम देखते हैं कि लूफी को कुछ भी नहीं होता और वो उस लेडी को एक ज़ोरदार घूंसा मारता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि लूफी में और उस पायरेट लेडी में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। और तभी लूफी उन सभी पायरेट से कहता है कि हे तुम सभी लोग, मेरे दोस्त के लिए एक शिप लेकर के आओ। और वो सारे पायरेट्स लूफी की बात को चुपचाप सुन लेते हैं। फिर वे लोग बोट को लाने के लिए चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नेवी आ जाती है। इस पर लूफी कहता है, कोबी तुम्हें नेवी में जाना था ना, तो वो रही नेवी, अब तुम जा सकते हो। तभी कोबी कहता है, इतने भी जल्दी नहीं जाना मुझे। और तभी हम देखते हैं कि लूफी उस शिप से नीचे कूद जाता है। कोबी उसे बस देखने ही लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बोट होती है और उस बोट में वो ऑरेंज बालों वाली लड़की होती है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि लूफी और कोबी एक दूसरे के साथ जा रहे होते हैं। तभी कोबी लूफी से कहता है कि लूफी, क्या तुम हंटर गाय को जानते हो? तभी लूफी बोलता है, क्या तुम ज़ोरो की बात कर रहे हो? इस पर कोबी बोलता है, तुमने सही कहा, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम सच में उसे जानते हो? वो सच में काफ़ी ख़तरनाक है। इस पर लूफी कहता है, हाँ मैं अच्छे तरह से जानता हूँ वो कितना ख़तरनाक है। मैं सोच रहा हूँ कि उसे अपनी टीम में ले लूँ। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर एक आदमी को रस्सियों में बांधकर रखा हुआ था। हम देखते हैं कि कोबी और लूफी एक बोट में बैठे हुए थे और वो दोनों समुद्र के बीच में फंसे हुए थे। तभी लूफी कोबी से कहता है कि हे कोबी, तुम सच में काफ़ी कमाल के इंसान हो। और फिर हमें पता चलता है कि कोबी उस बोट को नेवी की तरफ ले जा रहा होता है। लूफी काफ़ी खुश दिखता है। तभी कोबी कहता है, हे लूफी, क्या तुम सच में ज़ोरो को हमारी टीम में शामिल करना चाहते हो? तभी लूफी कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं उसे अपनी टीम में शामिल ज़रूर करूँगा। इस पर कोबी कहता है कि क्या तुम सच में पागल हो गए हो लूफी, तुम्हें क्या नहीं पता वो दुनिया का सबसे खतरनाक तलवारबाज है। क्या तुम नहीं जानते उसे लोग पायरेट हंटर कहते हैं, वो इंसान के रूप में एक बहुत ही बड़ा शैतान है। और फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि लूफी और कोबी नेवी बेस में पहुंच जाते हैं। और फिर यहाँ पर कोबी लूफी से फिर पूछता है कि हे लूफी, क्या तुम सच बोल रहे हो, तुम सच में ज़ोरो को हमारी टीम में शामिल करोगे? तभी लूफी कहता है, आखिर ये सवाल तुम मुझसे कितनी बार पूछोगे, मैंने कह दिया ना, और वैसे भी मुझे जहाँ तक की लगता है वो एक अच्छा इंसान होगा। तभी कोबी भड़क जाता है और कहता है,
क्या तुम नहीं जानते लूफी उसे इसलिए पकड़ कर रखा है क्योंकि वो एक हैवान है। तभी लूफी एक अनजान इंसान से पूछता है, हे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर जोरो को कहाँ बंदी बनाकर रखा है। और जैसे ही ये बात लूफी के मुंह से वे सभी लोग सुनते हैं, वे सभी डरकर भागने लगते हैं। सभी लोग लूफी से पीछे हट जाते हैं। तभी कोबी कहता है कि क्या तुम्हें पता है तुमने अभी क्या कह दिया, ये सभी लोग जोरो से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं क्योंकि वो एक शैतान है। लेकिन हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैप्टन मॉर्गन इस बेस का लीडर है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैप्टन मॉर्गन का नाम सुनते हुए वे सभी लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं। और इसके बाद कोबी लूफी से कहता है कि आखिर ये सभी लोग कैप्टन मॉर्गन के नाम से भला क्यों डर रहे हैं, वो तो बेस के लीडर है ना। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि लूफी और कोबी आखिरकार उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जोरो को बंदी बनाकर रखा गया था। और तभी हम देखते हैं कि लूफी एक दीवार पर चढ़कर जोरो को देखने की कोशिश करता है। और उसके बाद फिर कोबी भी उस दीवार पर चढ़ जाता है। और जैसे ही वो दीवार पर चढ़ जाते हैं, वे दोनों देखते हैं कि एक आदमी एक खम्भे में बंधा हुआ था और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जोरो होता है। इस पर लूफी कहता है, अगर हम इसके हाथ पैर खोल दें तो ये बिल्कुल आज़ाद हो जाएगा। तभी कोबी काफ़ी भड़क जाता है और कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो लूफी, हम उसके हाथ पैर नहीं खोलेंगे क्योंकि वो एक शैतान है और आज़ाद होने के बाद वो सबसे पहले हम दोनों को ही मार देगा। तभी लूफी कहता है, तुम चिंता मत करो, वो मुझे नहीं मार पाएगा क्योंकि मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ। जोरो ये सब सुन रहा होता है और वो उन दोनों को देख भी रहा था। और तभी हम देखते हैं कि जोरो बोलता है, बेवकूफ़ कहीं के, तुम दोनों यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आ जाती है। लूफी और कोबी उसे देखते ही रहते हैं। वो बच्ची दीवार को कूद कर जोरो के पास भागती हुई आती है। और जैसे ही वो लड़की जोरो के पास पहुँचती है, वो जोरो को खाने के लिए दो राइस बॉल देती है। जोरो ये देख करके सोचने लगता है कि आखिर ये बच्ची है कौन। तभी जोरो गुस्से में कहता है कि यहाँ से तुम चली जाओ, मैं भूखा नहीं हूँ, मेरे पैर खुले हैं और अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें एक जोर का लात मारूँगा। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर तीन लोग आ जाते हैं और उनमें से एक पीले बालों वाला जोरो से कहता है, तुमसे मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा जोरो, तुम्हारा अंदाज मुझे काफ़ी पसंद आया। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो उस लड़की से राइस बॉल छीन लेता है और उसे अपने पैरों तले रौंद देता है। ये सब कुछ देखकर वो छोटी बच्ची रोने लग जाती है क्योंकि उसने वो राइस बॉल बहुत ही मेहनत से बनाए हुए थे। और जोरो ये सब देख रहा होता है कि कैसे उस बेवकूफ़ ने उस बच्ची के राइस बॉल को पैरों तले कुचल दिया। इसके बाद फिर वो पीले बालों वाला शख्स कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता बच्ची, इस इंसान को खाना खिलाना मना है, तो तुम फिर यहाँ पर क्या कर रही हो, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, समझे तुम। क्या तुम्हें नहीं पता मेरे पिताजी कौन हैं, वो यहाँ के लीडर हैं कैप्टन मॉर्गन और मैं उनका बेटा हूँ, समझी। ये सब देखने के बाद कोबी को पता चल जाता है कि वो कैप्टन मॉर्गन का बेटा है। और तभी हम देखते हैं कि कैप्टन मॉर्गन का बेटा अपने नेवी से बोलता है, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, इस बच्ची को यहाँ से दूर फेंक दो। तभी वो ऑफिसर बोलता है, लेकिन ये तो एक छोटी सी बच्ची है। कैप्टन मॉर्गन का बेटा बोलता है, शायद तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, ये मेरा हुक्म है, समझे तुम। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो नेवी ऑफिसर उस बच्ची को फेंक देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लूफी उस बच्ची को पकड़ लेता है और वो उसे बचा लेता है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि उस बच्ची को कोबी संभालता है और उससे पूछता है, हे क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और इधर हम जोरो को देखते हैं। तभी उन ऑफिसर में से एक कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जिंदा रहने वाले हो। जोरो इस बात का जवाब देते हुए कहता है, ज़्यादा नहीं, बस 10 दिन ही बचे हैं, उसके बाद देखना
मैं तुम लोगों का क्या हश्न करता हूँ। तभी कैप्टन मॉर्गन का बेटा बोलता है, उससे पहले ही तुम मर जाओगे जोरो। इधर हम लूफी को देखते हैं। लूफी जोरो के सामने आ जाता है। जोरो के पास पहुंचने के बाद लूफी कहता है कि मैं तो बिना खाने के 3 दिन भी नहीं रह सकता। तुम 10 दिन तक रह गए, आखिर कैसे? तभी जोरो कहता है, मैं तुमसे कई ज़्यादा ताकतवर हूँ और मैं बिना खाए 3 दिन तो क्या कई दिनों तक रह सकता हूँ। हे, लेकिन क्या तुम मुझे वो पड़ा हुआ राइस केक दोगे? मुझे अभी काफ़ी भूख लगी है। तभी लूफी कहता है, क्या कहीं तुम इस गिरे हुए राइस केक के बारे में बात तो नहीं कर रहे? लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है। उस बेवकूफ़ ने इसे पैरों तले बहुत ही बुरी तरह से कुचला है। तभी जोरो चिल्लाकर बोलता है, बेवकूफ़ कहीं के, मैंने तुमसे जितना कहा है उतना करो। और तभी हम देखते हैं कि लूफी जोरो के मुंह में वो राइस केक को डाल देता है और जोरो उसे खा लेता है। और फिर वो खाने के बाद बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये काफ़ी टेस्टी था। और ये सब सुनने के बाद लूफी को पता चलता है कि जोरो दिल का बुरा इंसान नहीं है। और उसके बाद फिर लूफी कहता है, तो ठीक है, मैं अब चलता हूँ। और ये बोलकर लूफी वहाँ से चला जाता है। और इधर लूफी उस छोटी लड़की से बोलता है, क्या तुम्हें पता है, जोरो ने तुम्हारे राइस केक का एक एक दाना खा लिया और वो उसे काफ़ी अच्छा भी लगा था। तभी कोबी उस लड़की से कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता, जोरो एक बुरा इंसान है। तभी वो लड़की बोलती है, नहीं, ये सब गलत है, मैं जानती हूँ जोरो एक बुरा इंसान हो ही नहीं सकता। फिर वो बताती है कि कैसे मॉर्गन का बेटा उसकी माँ की कैफ़े में गुंडागर्दी करने के लिए पहुँच गया था और उस वक्त जोरो भी वहीं पर मौजूद था। और ये सब कुछ देखकर जोरो को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार निकालकर मॉर्गन के बेटे को कहता है, तुम बेवकूफ़, आखिर तुम इन सभी को क्यों परेशान कर रहे हो? इस पर मॉर्गन का बेटा बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता मेरे पिता कौन हैं? मेरे पिता यहाँ के लीडर हैं, कैप्टन मॉर्गन। अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चला तो वो तुम्हें जान से मार देंगे बेवकूफ़। अगर तुम इस लड़की को बचाना चाहते हो तो तुम इसके जगह पर खुद को क्यों नहीं रख लेते? इस पर जोरो कहता है, तो ठीक है, मुझे तुम्हारी बातें मंजूर है। इसके हिस्से की सज़ा मैं खुद भुगतूंगा और वो भी बिना खाना पानी के। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो छोटी लड़की उन दोनों को रोते रोते बताती है कैसे उसे और उसकी माँ को बचाने के लिए जोरो ने ऐसा किया। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कैप्टन मॉर्गन का बेटा फिर से गुंडागर्दी करने के लिए उस होटल में पहुंच जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उसी होटल में वो लाल बालों वाली लड़की भी होती है जिसका नाम नामी होता है। और तभी मॉर्गन का बेटा कहता है, हे, क्या तुम जानते हो, मैं कल उस जोरो को मार दूंगा, मैं उसे ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रख सकता। और इधर हम लूफी को देखते हैं जो कि काफ़ी गुस्से में होता है। जोरो को मारने की बात सुनकर लूफी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो कैप्टन मॉर्गन के बेटे को एक ज़ोरदार पंच मारता है। तभी पीछे से कोबी आता है और वो लूफी को संभालता है। इसके बाद कैप्टन मॉर्गन का बेटा रोते हुए कहता है, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम मेरे पिता को नहीं जानते, मैं उन्हें बोलकर तुम्हें भी मरवा दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुमने कैप्टन मॉर्गन के बेटे पर हाथ उठाया। इसके बाद फिर हमें जोरो का सीन दिखाया जाता है। जोरो काफ़ी दुखी होता है, वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। वो अपने पास्ट में देखता है कि जोरो उस वक्त बच्चा था और उसके सामने एक नीले बालों वाली लड़की है। वो दोनों आपस में तलवारबाजी कर रहे थे और वो फिर जोरो को हरा देती है। और फिर वो जोरो से कहती है, तुम्हें थोड़ा और ताकतवर बनने की ज़रूरत है जोरो। ये सभी पुरानी बातों को याद करके जोरो काफ़ी दुखी हो जाता है। और फिर वो अचानक से कहता है, नहीं, मैं यहाँ पर तो नहीं मर सकता। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर तुरंत लूफी आ जाता है। जोरो उसे देखकर कहता है, आखिर तुम यहाँ पर वापस क्यों आए हो? मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हारे पास इतना फालतू वक्त कैसे है, क्योंकि तुम बार बार यहाँ पर आ जाते हो। तभी लूफी बोलता है, मैंने फैसला कर लिया है, तुम मेरे साथ मेरी क्रू में आ रहे हो। लूफी की ये बात सुनकर
जोरो काफी भड़क जाता है और कहता है, बेवकूफ कहीं के, आखिर तुम हो कौन? क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते? मैं तुम्हारी टीम में आऊंगा या नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मैं तय करूंगा, तुम नहीं, समझे? तभी लूफी कहता है, मैं तो भूल ही गया था, तुम तो तलवार से लड़ते हो ना, तो ठीक है, मैं तुम्हारी तलवार लेकर के आ जाऊंगा, तब तुम मेरी टीम में आ जाओगे। जोरो फिर से गुस्सा हो जाता है और कहता है, नहीं, मैं नहीं करने वाला। फिर हम देखते हैं कि लूफी तुरंत वहां से भाग जाता है और फिर वो भागते भागते कहता है, मैं तुम्हारी तलवार को तुरंत लेकर के आता हूँ। इस पर जोरो कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। तभी हम देखते कि लूफी अपने हाथों को लंबा करता है और फिर वो दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। जोरो ये सब देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है और फिर वो कहता है, क्या ये वाकई में कोई इंसान ही है या फिर कुछ और? इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें कैप्टन मॉर्गन और उसके बेटे का सीन दिखाया जाता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कैप्टन मॉर्गन के स्टैचू को खड़ा किया जा रहा था। तभी कैप्टन मॉर्गन का बेटा चिल्लाकर अपने पिता से कहता है, हे पिताजी, मुझ पर एक व्यक्ति ने हाथ उठाया है। इस पर कैप्टन मॉर्गन कहता है, उसने बिल्कुल सही किया, तुम बिल्कुल इसी के लायक हो। तुमसे एक काम तो ठीक से होता नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ, तुमने उस छोटी बच्ची को मार दिया होगा। इस पर कैप्टन मॉर्गन का बेटा कहता है, क्या आप पागल हो गए हैं? मैं उस छोटी बच्ची को मारकर अपने सर पर पाप नहीं लेना चाहता। तभी कैप्टन मॉर्गन अपने सैनिकों से कहता है, हे, मेरी बात सुनो, तुम उस छोटी बच्ची को मारकर आओगे। फिर हमें लूफी को दिखाया जाता है जो कि जोरो की तलवार को ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच गया था। तभी लूफी अपने हाथ को लंबे करता है और छत के बेस पर पहुंच जाता है, लेकिन लूफी ने कुछ ज़्यादा ही जोर लगा दिया था और वो हवा में काफ़ी ऊपर उड़ जाता है। लूफी को ऐसे हवा में उड़ता देख वहाँ पर जितने भी सैनिक होते हैं वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं और फिर वे लोग कहते हैं, हे, क्या तुम उसे देख रहे हो? आखिर ये कहाँ से आ गया? और लूफी की वजह से उस स्टैचू का दूसरा हिस्सा काफ़ी बुरी तरह से टूट जाता है। लूफी उसे देख कर काफ़ी परेशान हो जाता है और फिर वो कहता है, मुझे माफ़ कर देना, क्या करूँ, मुझे खुद पर कंट्रोल है ही नहीं। ये सब बात सुनकर कैप्टन मॉर्गन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो कहता है, इस बेवकूफ़ को यहीं पर ख़त्म कर दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लूफी मॉर्गन के बेटे को ढूंढ लेता है और उससे कहता है, हे, तुम मेरे साथ चल रहे हो और तुम मुझे बताओगे कि जोरो का तलवार आखिर कहाँ रखा है। मॉर्गन का बेटा लूफी को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लूफी मॉर्गन के बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाता है और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि हमें नामी को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी जांच पड़ताल कर रही थी। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कोबी जोरो की रस्सियों को खोल रहा होता है और फिर वो जोरो से कहता है, लूफी तुम्हारा जान बचाना चाहता है और तुम्हें भी लूफी की जान बचानी चाहिए क्योंकि वो बहुत ही अच्छा इंसान है। क्या तुम्हें पता है जोरो, लूफी ने नेवी वालों को अपना दुश्मन बना लिया है और सारे के सारे नेवी वाले लूफी के पीछे पड़े हैं। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही जोरो की रस्सियाँ खुलने वाली होती है वहाँ पर मॉर्गन अपने सैनिकों के साथ आ जाता है। इधर हम लूफी को देखते हैं जो कि मॉर्गन के बेटे के कमरे में होता है। लूफी मॉर्गन के बेटे को घसीटता हुआ उसके कमरे तक ले आया था और फिर वो उन तीनों तलवारों के सामने जाकर पूछता है कि तो तुम मुझे बताओ, आखिर इन तीनों में से जोरो की तलवार कौन सी है? फिर हमें जोरो का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वो सारे के सारे सैनिक जोरो पर अपना बंदूक तानकर खड़े हुए थे। जोरो और कॉबी काफ़ी हैरान रह जाते हैं और वो अब वहाँ से बच भी नहीं सकते थे। तभी जोरो कहता है, नहीं, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मैंने उससे वादा किया था, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर तलवारबाज बनूंगा, मैं कुछ भी करके यहाँ पर नहीं मर सकता। फिर हमें उस नीले बालों वाली लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि जोरो से कहती है, तुम अभी भी कमज़ोर हो जोरो, तुम्हें और ताकतवर बनने की ज़रूरत है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मॉर्गन के सैनिक जोरो और कोबी पर गोलियाँ चलाने ही वाले थे और जैसे ही वहाँ पर गोलियाँ चलती है
हम देखते हैं कि लूफी वहां पर आ जाता है। उन सभी की गोलियों से लूफी को कुछ भी नहीं होता। सारी की सारी गोलियां लूफी के शरीर के अंदर जाती है और फिर वो एक झटके में ही बाहर निकल आती है। ये देखकर जोरो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो उससे कहता है, हे, क्या तुम सच में एक इंसान हो या फिर कुछ और? कोबी भी ये सब देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब है। क्या गोलियां भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती? आखिर लूफी है क्या? तभी जोरो कहता है, हे, क्या तुम मुझे बताओगे आखिर तुम हो कौन? इस पर लूफी कहता है, मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं एक दिन पायरेट किंग बनूंगा। जोरो ये सब सुनकर कहता है, क्या तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? इस पर लूफी कहता है, हाँ, मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। किंग ऑफ पायरेट का मतलब होता है सारे पायरेट का राजा, जो कि मैं बनूंगा। ये बात कहने के बाद जोरो कहता है, क्या तुम मजाक नहीं कर रहे? इस पर कोबी कहता है, हाँ, लूफी इस बात से सच में काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। वो मजाक नहीं कर रहा, पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि लूफी जोरो को तलवार देता है और उससे कहता है, तो जोरो, बताओ इन तीनों में से तुम्हारा तलवार कौन सा है? तभी जोरो कहता है, ये तीनों मेरी ही है। मैं तीन तलवारों वाला स्टाइल यूज़ करता हूँ, कैप्टन। और कैप्टन बात सुनकर लूफी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी जोरो बोलता है, हे लूफी, अगर तुम मेरी रस्सियाँ नहीं खोलोगे तो मैं तुम्हारे क्रू का मेंबर कैसे बनूंगा? जल्दी करो। इधर मॉर्गन और उसके सारे सैनिक ये सब देख रहे होते हैं। कैप्टन मॉर्गन ये सब देखने के बाद कहता है, तो ये है डेविल फ्रूट की ताकत। हर डेविल फ्रूट में अलग अलग शक्तियाँ होती है। सुनामी लाने की शक्ति, मुंह से आग निकालने की शक्ति और पता नहीं ना जाने कैसी कैसी और शक्ति। डेविल फ्रूट आज तक एक राज बनकर बना है। किसी ने उसे ज्यादा देखा नहीं है और ना ही उसे खाया है। हम देखते हैं कि लूफी जोरो की रस्सियां को खोल ही रहा होता है, तभी कैप्टन मॉर्गन के सैनिक उन पर हमला कर देते हैं। तभी जोरो लूफी को चिल्लाकर कहता है, मेरी रस्सियां जल्दी खोलो बेवकूफ, वरना ये सभी लोग हम सभी को मार देंगे। और जैसे ही जोरो की रस्सियां खुलती है, जोरो अपने मुंह में तलवार रखकर और अपने दोनों हाथों में तलवार पकड़कर उनके आगे खड़ा हो जाता है। ये देखकर लूफी और कोबी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इस पर लूफी कहता है, वाओ, जोरो तो कितना कूल है। जोरो अपने मुंह में तलवार पकड़कर बोलता है, अगर तुमने ज़रा भी हिलने की कोशिश की तो तुम्हारा खेल खत्म। और ये बात सुनने के बाद हम देखते हैं कि मॉर्गन के जितने भी आदमी थे वो सभी के सभी कांपने लगते हैं, क्योंकि वो सभी जानते थे कि जोरो कितना खतरनाक है। और तभी जोरो लूफी को बोलता है, हे लूफी, तुम्हारी तरह मेरा भी एक सपना है। इस पर लूफी कहता है, क्या आखिर तुम्हारा क्या सपना है? मैं दुनिया का सबसे ताकतवर तलवारबाज बनना चाहता हूँ, और अगर तुम्हारे क्रू का मेंबर बनना मेरे सपने के बीच में आया तो मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। इस पर लूफी कहता है, दरअसल मुझे भी एक महान तलवारबाज की ज़रूरत है। जो कि तुम तलवारबाज हो तो मैं तुम्हें अपने क्रू का मेंबर ज़रूर बनाऊंगा। इस पर जोरो कहता है, तो इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा काम करना होगा, क्योंकि मुझे अपना नाम पूरी दुनिया में फैलाना है, चाहे वो गलत काम से ही क्यों ना हो। तभी पीछे से मॉर्गन चिल्ला कर कहता है, आखिर तुम वहाँ पर खड़े खड़े क्या देख रहे हो बेवकूफ़, उन पर हमला करो। तभी लूफी जोरो से कहता है, हे जोरो, नीचे झुक जाओ। और तभी हम देखते हैं कि लूफी अपनी टांग को लंबी कर उन सभी को एक ज़ोरदार किक मारता है। जोरो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और फिर वो लूफी से कहता है, आखिर ये सब तुम कैसे कर ले रहे हो? क्या तुम मुझे बताओगे? इस पर लूफी कहता है, दरअसल मैं एक गम गम फल खाकर ये सब शक्तियाँ पाई है। मॉर्गन ये सब देख रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो कहता है, तो ये है डेविल फ्रूट की ताकत। ये तो बिल्कुल राक्षसों वाली शक्तियाँ हैं। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इन बेवकूफ़ों से कुछ होने से रहा। जोरो ये सब देखने के बाद कहता है कि इसके आर्मी और ये दोनों के दोनों पागल हैं। और तभी हम देखते हैं कि
लूफी भाग कर जाता है और मॉर्गन की कुल्हाड़ी पर अपना एक पंच करता है। तभी मॉर्गन गुस्से में आकर कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, तुम जानते भी हो आखिर मैं हूं कौन। मैं हूं इस पूरे नेवी का कैप्टन मॉर्गन। और तभी हम देखते हैं कि मॉर्गन अपने उस कुल्हाड़ी वाले हाथ से लूफी पर अटैक करता है, लेकिन लूफी बहुत तेजी से ऊपर उछलकर बच जाता है और फिर वो हवा में उड़कर मॉर्गन को एक लात मारता है जिससे कि मॉर्गन नीचे गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि मॉर्गन वहीं पर ढेर हो जाता है। मॉर्गन के सैनिक ये सब देखकर काफ़ी शौक रह जाते हैं और फिर वो कहते हैं, आखिर इस बच्चे ने हमारे कैप्टन को कैसे हरा दिया, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये वाकई में इतना ताकतवर है। लूफी मॉर्गन को बहुत ही बुरी तरह से हरा देता है और उससे गुस्से में कहता है, तुम एक कैप्टन के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा हो, कभी तुम्हारे जैसा कैप्टन तो कभी नहीं बनना चाहेगा। और तभी हम देखते हैं कि मॉर्गन का जो बेटा होता है वो कॉबी के सर पर अपना गन तान देता है। लूफी ये सब देखकर हंसता है और कहता है कि तुम्हारी इस हरकत से कॉबी बिल्कुल भी नहीं डरने वाला। इस पर कॉबी जोश में कहता है कि अगर मैं मर भी जाऊं लूफी तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें इसे हराना ही होगा। और जैसे ही हम देखते हैं कि लूफी कॉबी को बचाने की कोशिश करता है, मॉर्गन उसके पीछे खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी जोरो मॉर्गन को देख लेता है और वो अपनी तलवार से मॉर्गन को ख़त्म कर देता है। और हम देखते हैं कि मॉर्गन आखिरकार हार जाता है और वहाँ पर जितने भी सारे नेवी वाले होते हैं वो काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनका कैप्टन मर चुका था और वो अब आज़ाद थे क्योंकि मॉर्गन ने उन सभी लोगों को बंदी बना करके रखा था। और इस बात से खुश होकर वे सभी लोग अपने तलवार को हवा में उछाल देते हैं। ये सब करने के बाद हम देखते हैं कि जोरो उसी ग्राउंड पर लेट जाता है और फिर वो कहता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। इधर हम नामी को देखते हैं जिसने कि दो नेवी ऑफिसर को रस्सियों से बांध रखा था। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि नामी दूसरे कमरे में जाती है और वो कुछ ढूंढने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि नामी को कुछ मिलता है और वो उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। और उस नक्शे पर लिखा हुआ था कैप्टन बगी। फिर वो कहती है, ये तो कोई चार्ट नहीं है, आखिर ये मार्क किस चीज़ की है। ये देखकर नामी शॉक रह जाती है क्योंकि वो जो ढूंढ रही थी वो उसे नहीं मिला था। और फिर वो कहती है, ये तो शायद वही इमॉर्टल आदमी है जो कि कभी मर नहीं सकता। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें जोरो को दिखाया जाता है जो कि उसी छोटी लड़की के रेस्टोरेंट में होता है और फिर वो वहाँ पर खाना खा रहा होता है। तभी जोरो कहता है, मैंने बहुत दिनों के बाद खाना खाया है। इस पर लूफी कहता है, क्या तुम बस इतना ही खाओगे। इस पर जोरो बोलता है, तो क्या तुम मुझसे ज़्यादा खाना खा सकते हो। इस पर कॉबी बोलता है, हमें फ्री में खाना खिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम देखते हैं कि वो छोटी सी लड़की लूफी के पास जाकर कहती है, हे तुम सच में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो। तभी लूफी कहता है, चिंता मत करो, मैं इससे भी ज़्यादा ताकतवर बनूंगा। तभी जोरो बोलता है, लूफी क्या तुम मुझे बताओगे तुमने अपने क्रू में आखिर कितने मेंबर शामिल किए हैं। इस पर लूफी कहता है, मेंबर्स अभी तो सिर्फ तुम ही हो। ये बात सुनने के बाद जोरो थोड़ा शॉक रह जाता है, क्या आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने अब तक एक ही मेंबर को जमा किया है और वो भी मैं। मेरी बात सुनो लूफी, एक मेंबर से हम क्रू नहीं कहलाएंगे। इस पर लूफी कहता है, तो क्या हुआ, हम ताकतवर तो है ना। इस पर जोरो कहता है, ठीक है तो मुझे बताओ आखिर तुम्हारी बोट कहाँ है। इस पर लूफी इशारा करते हुए कहता है, वो वहाँ पर है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जोरो खिड़की से झांक कर देखता है और वो देखता है वहाँ पर एक छोटी सी लकड़ी की नाव खड़ी होती है। जोरो उस नाव को देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद जोरो लूफी पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तभी लूफी जोरो से कहता है, हे आखिर तुम हंस क्यों रहे हो। तभी जोरो बोलता है, क्या तुम सच कह रहे हो, तुम इस नाव पर सफ़र करोगे और तुम इस नाव पर अपने क्रू को इकट्ठा करोगे,
ये तो वाकई में एक मजाक है, और तुम इसी नाव के साथ पायरेट किंग बनना चाहते हो। इस पर लूफी कहता है, तुम चिंता मत करो जोरो, ये नाव हमारे पास हमेशा के लिए नहीं है। हमारे पास इससे भी बड़ी नाव आएगी जिस पर मेरा पसंदीदा फ्लैग लगा होगा। इस पर जोरो कहता है, क्या तुम मुझे बताओगे आखिर वो नाव कैसे आएगी? ऐसा लगता है कि मैंने एक गलत इंसान को अपना कैप्टन बना लिया है। तभी हम देखते हैं कि वो छोटी सी लड़की लूफी से पूछती है, हे अब तुम कहाँ जाने वाले हो? इस पर लूफी कहता है कि हम इसके बाद ग्रैंड लाइन जाने वाले हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि कोबी जितना भी सूप पिया होता है वो एक ही बार में थूक देता है। इस पर कोबी बोलता है, क्या तुमने क्या कहा? तुम सच में ग्रैंड लाइन जाने वाले हो? तुम्हें पता भी है वहाँ पर क्या होता है? कोबी को देखकर वो छोटी लड़की बोलती है, क्या सच में ग्रैंड लाइन इतना खतरनाक जगह है? इसके बाद फिर कोबी बताता है कि आखिर ग्रैंड लाइन कहाँ पर है और वो इतनी डरावनी आखिर क्यों है। वो बताता है कि असल में एक गोल्ड ट्रोजर नाम का एक पायरेट था, और फिर वो मरते मरते ये बोलकर गया कि मैंने वन पीस को इधर कहीं ही छुपा कर रखा है, और तुम में से जो पायरेट भी उसे ढूंढेगा वो उसका हो जाएगा। लेकिन अगर वो ढूंढ पाए तो, लेकिन वो जो भी जगह है वो किसी लड़ाई के मैदान से कम नहीं, और ना ही वहाँ पर पहुँचना इतना आसान है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी सारे पायरेट्स हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खून खराबा होता है। फिर उस छोटी बच्ची की माँ उन सभी से कहती है, उस जगह पर जो भी अब तक गया है कोई भी वहाँ से ज़िंदा वापस नहीं लौटा है। इस पर लूफी कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वन पीस तो वहीं पर है ना, तो हमें वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। इस पर जोरो कहता है, हाँ मैं समझ गया, और इसमें मैं कर भी क्या सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है लूफी वैसे भी किसी की बात नहीं सुनने वाला। इस पर कोबी कहता है कि मैं लूफी को काफ़ी लंबे समय से नहीं जानता, और शायद मैं उसका दोस्त भी नहीं हूँ, इसलिए मैं उसके बारे में इतने अच्छे से नहीं जानता हूँ। इस पर लूफी कहता है, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे दोस्त ही नहीं बल्कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ये बात सुनने के बाद कोबी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मुझे ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे अपना दोस्त कहा है। दरअसल मेरा कोई भी बचपन से दोस्त नहीं था, सभी लोग मुझसे दूर भागते थे, लेकिन तुम लूफी, तुमने मुझे सिखाया कि अपने सपने को आखिर कैसे पूरा करते हैं, और मैं अपना सपना ज़रूर पूरा करूँगा और एक दिन नेवी में जाऊँगा। ये बात सुनने के बाद जोरो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कोबी से कहता है, हे कोबी, अगर तुम सच में नेवी में जाना चाहते हो तो उन नेवी वालों को मत बताना कि तुम पायरेट्स के साथ काम कर चुके हो, समझे तुम? और ये भूल कर भी मत कहना कि तुमने अलविदा के शिप पर 2 सालों तक काम किया है। फिर हम देखते हैं कि गेट से जितने भी सारे नेवी वाले होते हैं वो अंदर आ जाते हैं। नेवी वाले अंदर आते ही जोरो और लूफी से पूछते हैं, हे क्या तुम दोनों पायरेट हो? लूफी बिना डरे सच बोल देता है, हाँ हम लोग पायरेट्स हैं। ये बात सुनने के बाद नेवी वाले नहीं चौंकते हैं और वो बोलते हैं, हम जानते हैं कि तुमने हमारी बहुत मदद की है और उस कैप्टन से हमें आज़ाद किया है, लेकिन हम नेवी वाले हैं और हम किसी भी पायरेट्स को इस शहर में रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। इस पर लूफी कहता है, तो ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन पीछे गांव वाले नेवी वालों को बोलते हैं, हे आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? इन लोगों ने तो हमारी जान बचाई है। इस पर लूफी कहता है, लगता है अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। और तभी वो छोटी बच्ची लूफी से कहती है, क्या तुम सच में जा रहे हो? इस पर लूफी कहता है, हाँ लेकिन हम कभी न कभी दोबारा ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जोरो और लूफी कोबी को छोड़कर वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी कोबी सोचता है कि क्या मुझे इनके साथ जाना चाहिए या नहीं। लेकिन जब लूफी वहाँ से जा रहा होता है तभी नेवी का एक ऑफिसर उससे पूछता है, हे क्या वो लड़का तुम्हारे क्रू का हिस्सा नहीं है? क्या ये कोई पायरेट नहीं है? इस पर लूफी कहता है, नहीं मैं नहीं जानता कि आखिर ये कौन है। और फिर हम देखते हैं कि वो कोबी के पास आकर उसे थोड़ा परेशान करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोबी लूफी को एक जोर का पंच मारता है, और तभी लूफी भी
कोबी को एक जोर का पंच मारता है और वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। ये सब देखकर नेवी वाले बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। हे, तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं? ये दोनों बेवकूफ़ आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो ये मुमकिन ही नहीं है कि ये दोनों एक टीम में होंगे। और तभी हम देखते हैं कि जोरो लूफी को पकड़कर पीछे खींच लेता है और हम देखते हैं कि लूफी को इस बात की खुशी होती है कि उन सभी नेवी वालों को लूफी ने यकीन दिला दिया कि कोबी उनकी टीम में नहीं है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि लूफी वहां से निकल जाता है। कोबी ये सब सोच रहा होता है कि लूफी ने ये सब उसकी जान बचाने के लिए किया है और उसने ये सब उसका सपना पूरा करने के लिए किया है, क्योंकि सारे नेवी ऑफिसर को ये पता चल जाता कि कोबी भी एक पायरेट है तो वो कभी भी नेवी में नहीं जा पाता। कोबी को पता चल जाता है कि लूफी ने ये सब उसके सपने को पूरा करने के लिए किया है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि कोबी अपने दिल पर पत्थर रखकर नेवी से कह देता है कि मुझे अपने साथ नेवी में शामिल कर लीजिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो नेवी का कैप्टन होता है वो कोबी को देखकर सोच में पड़ जाता है कि ये उन पायरेट्स के टीम का मेंबर था या नहीं। और हम देखते हैं कि कोबी के ऊपर नेवी में जाने का जुनून साफ साफ दिख रहा होता है। तभी उस नेवी का कैप्टन बोलता है, तुम्हें पता भी है हमें नेवी में कितने परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और आज से तुम्हें भी इन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कोबी ये बात सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है और वो समझ जाता है कि उसे भी नेवी में भर्ती कर लिया गया है। और जो नेवी का कमांडर होता है उसे कोबी सैल्यूट करता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि नामी का बोट लूफी के बगल में होता है, लेकिन उसकी बोट थोड़ी सी बड़ी होती है। और ये देखकर हमें पता चलता है कि नामी भी अपने सफ़र पर जा रही थी। जोरो और लूफी भी अपनी बोट पर पहुंच जाते हैं। जोरो लूफी से पूछता है, हे लूफी, तुमने ये सब जानबूझकर किया ना? इस पर लूफी कहता है, नहीं, मैंने थोड़ी ये सब जानबूझकर किया, मुझे क्या पता। इस पर जोरो कहता है, मुझे सब पता है लूफी, तुम्हें मुझसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उधर हम देखते हैं कि कोबी गांव वाले और नेवी वाले सभी लोग लूफी को सैल्यूट करते हैं और वे सभी लोग उन दोनों को छोड़ने के लिए आते भी हैं। कोबी बहुत ही ज़्यादा खुश था और गांव वाले बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जोरो और लूफी ने मिलकर उन्हें आज़ाद कर दिया था। जोरो ये देखकर कहता है, ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है, नेवी वाले पायरेट्स को सैल्यूट कर रहे हैं। और ये बात सुनने के बाद कोबी के आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो लूफी आखिरकार जाने वाला है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जोरो और लूफी अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। लूफी मन ही मन सोचता है, कोबी को एक बहुत ही स्ट्रांग नेवी वाला बनना है और वो बन कर रहेगा। तभी जोरो बोलता है, पता नहीं इस सफ़र में कितने सारे मुसीबतें आने वाली हैं। इस पर लूफी कहता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मैं पायरेट किंग बन कर रहूँगा। तभी जोरो कहता है, तुम इस बात को लेकर इतने सीरियस क्यों हो और तुम पायरेट किंग ही क्यों बनना चाहते हो? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? तभी लूफी कहता है, नहीं, कोई भी खास वजह नहीं है, मैंने बस किसी को वादा किया है, मैं खुद का क्रू बनाऊंगा और क्रू बनाने के बाद मैं वन पीस के खजाने को ढूंढने के लिए निकल जाऊंगा। उसके बाद फिर मैं सभी पायरेट्स का राजा कहलाऊंगा। शायद मेरी टोपी बहुत ही अच्छे से जानती है कि मैं क्या कह रहा हूँ। जोरो मन ही मन सोचता है, पता नहीं लूफी आखिर क्या है, लेकिन इसमें ज़रूर कुछ तो खास बात है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि लूफी अपने दोनों हाथों को खोलता है और बोलता है, तो आखिरकार हम सफ़र पर निकल गए हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें एक शिप पर तीन पायरेट्स को दिखाया जाता है और फिर वो बोलता है, आज तो हमने बहुत बड़ा हाथ मारा है, लगता है कैप्टन बगी आज हमसे नाराज़ नहीं होंगे। और ये बात सुनने के बाद हमें पता चलता है कि वो तीनों कैप्टन बगी के क्रू मेंबर हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि उनकी नज़र एक बोट पर जाती है जो कि उनकी तरफ आ रही थी और उसमें एक लड़की बेहोश पड़ी हुई होती है और हम देखते हैं कि वो लड़की नामी थी। इसके बाद फिर वो तीनों पायरेट अपनी बोट को उस लड़की के पास ले जाता है और फिर वो तीनों उस लड़की को जगाते हैं। इसके बाद फिर नामी जग जाती है और वो बोलती है, आज समंदर बहुत ही ज़्यादा गर्म है, मैं तो लगभग बेहोशी हो गई थी। हे सुनो, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो?
इसके बदले में तुम मेरा जितना चाहे उतना खजाना ले सकते हो। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जितने भी पायरेट्स होते हैं ये बात सुनकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो नामी के जहाज़ पर चढ़ जाते हैं और वो खजाने की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे लोग उस बक्से को खोलते हैं उस बक्से में से एक पांडा निकलता है। दरअसल उस बक्से में कुछ भी नहीं था, उनके साथ मजाक हो गया था। और तभी हम देखते हैं कि नामी उनकी बोट को लेकर निकल जाती है। दरअसल नामी ने उन्हें चकमा दे दिया था। नामी उनकी बोट को लेकर के निकल जाती है और साथ ही साथ उनके पास जितना भी सारा खजाना था वो अब नामी का हो चुका था। तभी नामी कहती है, तुम लोग गलत जगह पर खड़े हो और जहाँ पर तुम लोग खड़े हो वहाँ पर बारिश आने वाली है। और जैसा कि नामी ने कहा था, वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश आ जाती है और वहाँ पर तूफान भी आ जाता है। उन तीनों पायरेट की बोट डूब जाती है। इसके बाद हम लूफी को देखते हैं। लूफी काफ़ी थक चुका था और वो अब बोलता है, मुझे काफ़ी भूख लगी है। इस पर ज़ोरो कहता है, आखिर तुम किस तरह के पायरेट हो जो कि अपना रास्ता ही भटक गया है। इसके बाद फिर लूफी भी ज़ोरो से कहता है, तो तुम ही मुझे बताओ, तुम आखिर कैसे बाउंटी हंटर हो जो कि समुद्र में खुद ही रास्ता भटक गया हो। इस पर ज़ोरो कहता है, मैं नहीं जानता कि लोग मुझे किस नाम से बुलाते हैं, लेकिन इस बार मेरे पास रास्ता नहीं है, मुझे बस पैसे कमाने हैं। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, चाहे मुझे पायरेट बनना पड़े या फिर बाउंटी हंटर। और तुम लूफी, तुम मुझसे तमीज से बात करो। और तभी हम देखते हैं कि लूफी की कैप हवा में उड़ जाती है क्योंकि वहाँ पर हवाएं काफ़ी तेज चल रही थी। तभी लूफी कहता है, नहीं शैंक्स। और फिर हम देखते हैं कि हमें एक आदमी का चेहरा दिखाया जाता है जो कि लूफी से कहता है, ये हैट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है, इसे मैं तुम्हें भी नहीं दे सकता लूफी। और तभी हम देखते हैं कि लूफी और ज़ोरो दोनों हैट पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ज़ोरो थोड़ा आगे बढ़कर उस हैट को पकड़ लेता है। और उसके बाद फिर हमें लूफी का पास्ट दिखाया जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि छोटा सा लूफी बैठा हुआ था और उसके सामने एक आदमी बैठा हुआ था जिसने कि वो हैट पहन रखी थी। और तभी लूफी उस आदमी से कहता है, हे शैंक्स, तुम अगले मिशन के लिए मुझे भी ले चलो। और लूफी के मुंह से ये बात निकलने के बाद हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम शैंक्स है। इस पर शैंक्स कहता है, ओह तो लगता है तुम भी पायरेट बनना चाहते हो। तभी शैंक्स के क्रू मेंबर कहते हैं, तुम्हें स्विमिंग अच्छे से आती है इसका मतलब ये नहीं कि तुम पायरेट बन जाओगे। लूफी गुस्से में कहता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तभी एक और पायरेट बोलता है, तुम मेरे बेटे के उम्र के हो। लूफी सभी पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शैंक्स लूफी को एक ग्लास जूस देता है। शैंक्स लूफी से कहता है, ये जूस पियो तुम लूफी। लूफी उस जूस को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और जैसे ही लूफी उस जूस को पीने लगता है तभी शैंक्स कहता है, देखो लूफी कैसे बच्चों की तरह जूस पी रहा है। वहाँ पर जितने भी सारे पायरेट्स थे वे लोग लूफी को देखकर हंसने लग जाते हैं और शैंक्स भी उनके साथ हंसने लगता है। ये देखने के बाद लूफी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सभी लोग हंसने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि गेट के बाहर बहुत सारे पायरेट होते हैं, वो उस होटल में अंदर आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो जो बड़ा सा पायरेट होता है वो अंदर आते ही उस गेट को कुचल देता है। वहाँ पर जितने भी पायरेट बैठे हुए थे वो बस उसे देखते ही रहते हैं। और वो जो पायरेट होता है वो अंदर आकर कहता है, देखो हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमें तो बस बहुत सारा शराब चाहिए। इतने में ही वो बारटेंडर बोलती है, हमारे पास शराब नहीं है, वो अब ख़त्म हो चुकी है। इस पर शैंक्स कहता है, हे मुझे माफ़ कर देना, इस बार में जितने भी शराब थे उसे मैंने और मेरे क्रू ने पी लिया है, तो यहाँ पर अब शराब नहीं बची है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये हमारे पास आखिरी बॉटल बची हुई है, अगर चाहो तो तुम इसे ले सकते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो पायरेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो शैंक्स के हाथ में ही उस बॉटल को तोड़ देता है। और फिर वो शैंक्स को बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता मेरे सर पर 8 मिलियन डॉलर का बाउंटी है और एक बोतल शराब देकर
तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि शैंक्स उस शराब के बोतल को उठाने लगता है। इतने में ही वो बारटेंडर बोलती है कि आप रहने दीजिए, मैं इसे कर लूँगी। और फिर हम देखते हैं कि वो जो लंबा पायरेट होता है वो बाकी शराब के बोतल को भी तोड़ देता है। और फिर वो बोलता है, अगर तुम्हें सफाई करने का इतना ही शौक है तो लो इसे भी साफ करो। वैसे भी ये सारे के सारे पायरेट बहुत ही ज़्यादा डरपोक हैं और यहाँ पर शराब भी नहीं है। चलो यहाँ से चलते हैं, हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं। लूफी ये सब देख रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। और तभी हम देखते हैं कि वो बारटेंडर शैंक से कहती है, क्या आप ठीक हैं? आपको कुछ कांच के टुकड़े लगे तो नहीं? शैंक्स वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वहाँ पर उसके क्रू मेंबर भी हंसने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लूफी काफ़ी चिल्लाकर कहता है, आखिर तुम खुद को पायरेट कैसे कह सकते हो? वो तुम्हें और तुम्हारे क्रू को धमकाकर चला गया और तुम कुछ नहीं कर पाए और अब तुम हंस रहे हो। तभी शैंक्स कहता है, ओ चलो भी लूफी, उसने तो सिर्फ एक हम पर शराब ही गिराई है, कौन सी उसने हमारी जान ले ली है, तो इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है। लूफी इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। वो पास में रखे फल को खाने लगता है। तो क्या तुम अपना दुख खाने से कम करना चाहते हो? लेकिन हम देखते हैं कि लूफी उस फल को खाता रहता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। शैंक्स अचानक से डर जाता है और वो बोलता है, हे लूफी, आखिर तुम खा क्या रहे हो? हे लूफी, तुम मुझे बताओ, आखिर तुम क्या खा रहे हो? क्या कहीं तुमने उस बक्से में पड़ा फल खा तो नहीं लिया? शैंक्स लूफी के टांग को पकड़कर उल्टा कर देता है। तुमने जो अभी अभी फल खाया है उसे बाहर निकालो बेवकूफ, नहीं तो उसे यहीं के यहीं पर उल्टी करो। अचानक से लूफी के पैर बड़े हो जाते हैं और उसका सर ज़मीन से टकरा जाता है और लूफी का सर लाल हो जाता है। इस पर शैंक्स गुस्सा करते हुए कहता है, तुमने जो फल खाया है उसे गम गम फल कहते हैं और वो एक डेविल का फल है और अब तुम जिंदगी भर स्विमिंग नहीं कर पाओगे। और शैंक के मुंह से सुनने के बाद हमें ये पता चलता है कि लूफी काफ़ी अच्छा तैराक था। इसके बाद फिर वो बारटेंडर कहती है, इसकी बॉडी तो एक रबर की जैसी हो चुकी है। लूफी ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है कि अब उसकी स्विमिंग करने की एबिलिटी जा चुकी है। और उसके बाद फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बार होता है वो पूरी तरह से बिखरा पड़ा था और वहाँ पर सारे के सारे सामान उल्टे पुल्टे पड़े हुए थे। और हम देखते हैं कि लूफी काफ़ी गुस्से में एक आदमी से कह रहा होता है, तुम्हें अभी के अभी माफ़ी मांगनी होगी, समझे? और फिर हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि कल वाला पायरेट होता है। फिर हम देखते हैं कि हमें पहले वाला सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो जो पायरेट होता है वो शैंक्स और उसके क्रू मेंबर की बुराई कर रहा था। और फिर वो कहता है, ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा डरपोक पायरेट है। हम देखते हैं कि लूफी उस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो बोलता है, शैंक्स से अभी के अभी माफ़ी मांगो तुम। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो जो आदमी होता है उसने लूफी के सर पर अपना पैर रखा हुआ था। इतने में ही वो बारटेंडर मेयर को लेकर के वहाँ पर पहुँच जाती है और तभी हम देखते हैं कि मेयर उस पायरेट से कहता है, हे मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता कि लूफी ने आखिर क्या किया है, लेकिन मैं लूफी की तरफ से तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ उसे जाने दो। और ये कहने के बाद वो अपना सर नीचे झुका लेता है। लूफी बहुत ही ज़्यादा हैरान भी होता है और काफ़ी दुखी भी। वो जो पायरेट होता है वो लूफी से कहता है, देख रहे हो ना बच्चे, तुम्हारी वजह से इस बूढ़े इंसान को मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ रही है, ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर शैंक्स और उसके सारे के सारे क्रू वाले पहुँच जाते हैं। शैंक्स और उसके क्रू को देखकर वो पायरेट कहता है, ओह तो लगता है ये डरपोक अपने क्रू के साथ फिर से यहाँ पर आ गया। तभी शैंक्स चिल्लाकर कहता है कि हे लूफी, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा पंच एक पिस्तौल की तरह काम करता है। और जैसे ही ये शैंक्स बात कहता है हम देखते हैं कि एक पायरेट शैंक्स के सामने शैंक्स के सर पर पिस्तौल ताने खड़ा हो जाता है और फिर वो बोलता है, ये मजाक का वक्त नहीं है शैंक्स,
ये सब देखकर लूफी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी शैंक्स बोलता है, हे सुनो, तुम इस बंदूक की गोली पर तुम अपनी पूरी जिंदगी लगा दो। तभी वो पायरेट कहता है, आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी शैंक्स कहता है, मैंने कहा जब तुमने बंदूक निकाली ही है तो उसके गोली पर तुम अपनी पूरी जिंदगी लगा दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शैंक्स का जो क्रू मेंबर होता है वो अपनी गन से उसे उड़ा देता है और वो पायरेट वहीं पर मर जाता है। और तभी शैंक्स कहता है, उस दिन तुमने मुझ पर शराब उड़ाई लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर कोई मेरी साथियों को परेशान करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो पायरेट शैंक्स की ये बात सुनकर हंसने लगता है और फिर वो बोलता है, तुमने क्या कहा, मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी? चलो ये भी देख लेते हैं। और ये कहते ही हम देखते हैं कि वो अपने पायरेट्स को शैंक्स से लड़ने के लिए भेज देता है। और तभी हम देखते हैं कि शैंक्स का एक ही आदमी आता है और वो अपने बंदूक से सभी को ढेर कर देता है। और फिर वो बोलता है, अगर तुम्हें शैंक से लड़ना है तो जाओ अपनी पूरी के पूरी आर्मी लेकर के आओ, ये बहुत ही ज़्यादा कम है। ये सब देखकर वो पायरेट बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और तभी वो एक ब्लैक बॉल को अपने सामने फेंकता है और वो चारों तरफ धुआं धुआं कर देता है। और जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि वो अपने साथ साथ लूफी को भी वहाँ से ले चला जाता है। ये देखकर शैंक्स बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और काफ़ी गुस्सा भी हो जाता है। क्या पता नहीं वो लूफी को आखिर कहाँ लेकर के गया होगा, जाओ जल्दी जाकर ढूंढो उसे। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो जो पायरेट होता है वो लूफी को एक समंदर के बीच में ले गया होता है और उसने लूफी को अपने हाथ से पकड़ा हुआ था। और तभी लूफी कहता है कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द मर जाओ। इस पर वो पायरेट कहता है, हाँ हाँ मैं भी यही चाहता हूँ। और इसके बाद फिर वो लूफी को समंदर के बीच में फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि लूफी तो अब बिल्कुल भी तैर नहीं पा रहा था क्योंकि उसने गम गम डेविल फ्रूट खाया था और उसका शरीर अब पूरी तरह से रबर का बन चुका है और वो अब कभी भी तैर नहीं पाएगा। लूफी डूबने लगता है और वो कहता है, मुझे बचाओ मैं डूब रहा हूँ। लेकिन तभी वो पायरेट काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। फिर हम देखते हैं कि उस पायरेट के पीछे एक बहुत ही बड़ा सी मॉन्स्टर आता है। फिर हम देखते हैं कि वो सी मॉन्स्टर उस पायरेट को उसके बोट के साथ ही खा जाता है। ऐसा होता देख लूफी बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है लेकिन वो डूब भी रहा होता है। फिर लूफी बोलता है, मैं तो इसलिए रो रहा था क्योंकि मैं तुम्हें एक ज़ोरदार घूंसा भी नहीं मार पाया और कुछ नहीं। और तभी हम देखते हैं कि वो जो सी मॉन्स्टर होता है अब वो लूफी के पीछे पड़ जाता है और वो उसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं कि वो सी मॉन्स्टर लूफी को बस खाने वाला होता ही है। लेकिन तभी वहाँ पर शैंक्स बीच में आ जाता है और वो लूफी को बचा लेता है। और लूफी को बचाने के बाद हम देखते हैं कि शैंक्स सी मॉन्स्टर के आँखों में बहुत ही गुस्से नज़र से देखता है और वो सी मॉन्स्टर भी शैंक्स की आंखों में देखता है और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से तुरंत भाग जाता है। और जैसे ही सी मॉन्स्टर वहाँ से जाता है लूफी बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी शैंक्स कहता है, हे लूफी अब तो सब कुछ ठीक है तो अब भला तुम क्यों रो रहे हो। तभी लूफी बोलता है, लेकिन शैंक्स तुम्हारा हाथ। हम देखते हैं कि शैंक्स का जो हाथ होता है वो सी मॉन्स्टर ने खा लिया था। इस पर शैंक्स कहता है, ये तो बस एक छोटी सी कुर्बानी थी लूफी तुम्हें बचाने के लिए। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि शैंक्स और उसके सारे क्रू मेंबर अपने मिशन पर जा रहे होते हैं। लूफी शैंक्स के सामने खड़ा होता है और वो कहता है, मैंने सोच लिया है शैंक्स, अब मैं भी एक पायरेट बनूंगा। इस पर शैंक्स कहता है, तुम पायरेट कभी नहीं बन सकते लूफी। इसके बाद फिर लूफी थोड़ा गुस्सा हो जाता है। तभी लूफी चिल्लाकर कहता है, मैं पायरेट नहीं बनूंगा, मैं पायरेट किंग बनूंगा, तुम देख लेना, और मैं उस वन पीस खजाने को भी ढूंढूंगा। इस पर शैंक्स कहता है, अच्छा तो यानी कि तुम मुझसे भी आगे निकलना चाहते हो। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि
शैंक्स रोते हुए लूफी के सर पर अपना टोपी डाल देता है और बोलता है, लूफी आज से ये टोपी तुम्हारी हुई और तुम्हें इसका अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखना है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि लूफी ये सारी बातें को सुनकर रोने लग जाता है। उसके बाद फिर शैंक्स और उसका क्रू अपने अगले मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। जाते जाते शैंक्स कहता है, मुझे यकीन है लूफी तुम एक दिन पायरेट किंग ज़रूर बनोगे और उसके बाद फिर तुम वो टोपी मुझे वापस करोगे। और हम देखते हैं कि लूफी उस टोपी को पकड़कर रो रहा होता है और फिर वो कहता है कि मैं एक अच्छा पायरेट ज़रूर बनूंगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर लूफी अपनी उस टोपी को पकड़कर ये सब सोच रहा होता है। और तभी ज़ोरो कहता है, क्या ये टोपी तुम्हारे लिए इतनी ज़रूरी है? तभी लूफी कहता है, हाँ ये मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। तभी ज़ोरो कहता है, सुनो लूफी मुझे बहुत ही ज़ोरों की भूख लगी है, अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं यहीं पर मर जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि लूफी आसमान में देखता है और उसे आसमान में एक चिड़िया देखती है। तभी लूफी कहता है, हे ज़ोरो क्या तुम उस चिड़िया को खाओगे? इस पर ज़ोरो कहता है, आखिर तुम उस चिड़िया को कैसे पकड़ोगे? तभी लूफी बोलता है, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर हम देखते हैं कि लूफी अपने हाथ को ऊपर करता है और उसके सहारे वो ऊपर उछल जाता है। इस पर ज़ोरो कहता है, तो तुम्हारे पास ये तरीका है उसे पकड़ने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो पक्षी होती है वो कोई मामूली पक्षी नहीं होती, बल्कि वो एक मॉन्स्टर थी जो कि साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है और लूफी उसके चोंच में अटक जाता है। ये देखकर ज़ोरो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है, क्या तुम पागल हो लूफी, क्या तुम्हें नहीं दिखा वो एक मॉन्स्टर पक्षी है। और ये कहने के बाद ज़ोरो उस बोट को बहुत ही तेज़ी से चलाने लग जाता है ताकि वो लूफी को पकड़ सके। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो तीन पायरेट थे जिसे नामी ने धोखा दिया था वो ज़ोरो से कहता है, हे रुक जाओ हमें भी तुम लोग अपने साथ लेकर चलो। इस पर ज़ोरो कहता है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, अगर तुम्हें चढ़ना है तो तुम खुद ही चढ़ जाओ। और तभी हम देखते हैं कि वो बोट में चढ़ते ही ज़ोरो को अपनी तलवार दिखाते हैं और फिर वो लोग कहते हैं, सुनो अब ये बोट हमारी है, हम कैप्टन बगी के आदमी हैं। ज़ोरो ये सब देखकर कहता है, क्या तुमने अभी क्या कहा? फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि वो तीनों में से दो मिलकर नाव को चला रहे थे और उनकी बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उनकी बहुत ही बुरी तरह से पिटाई हुई है। और तभी उनमें से एक कहता है, हमें पता नहीं था कि तुम बाउंटी हंटर ज़ोरो हो, हमसे गलती हो गई, हम तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हैं। इस पर ज़ोरो कहता है, तुम बेवकूफ़ों की वजह से मैंने अपना एक दोस्त खो दिया, लेकिन मैं जानता हूँ वो किसी न किसी तरीके से वापस ज़रूर आ जाएगा। तभी ज़ोरो बोलता है, हे मुझे बताओ क्या कैप्टन बगी कोई बहुत बड़ा आदमी है? तभी उनमें से एक कहता है, क्या तुम सच में कैप्टन बगी को नहीं जानते? वो सच में बहुत ही बड़े आदमी हैं और उन्होंने डेविल फ्रूट भी खाया था, उनके अंदर बहुत ही अजीब सी ताकत है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें नामी का सीन दिखाया जाता है और वो अपने हाथ में कुछ लेकर के भाग रही होती है और उसके पीछे कुछ आदमी पड़े हुए थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमें एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि अपने टेलीस्कोप से आसमान में देख रहा था और तभी उसे लूफी दिखता है जो कि एक पक्षी के चोंच में फंसा हुआ था। फिर पीछे से एक ऑर्डर आता है कि सर क्या हम उसे उड़ा दें? तभी वो शख्स बोलता है, बिल्कुल उसे जितना हो सके उतना जल्दी उड़ा दो। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि लूफी के ऊपर वो तोप चला दी जाती है और वो फिर नीचे गिर रहा होता है। लेकिन लूफी जैसे ही नीचे गिरता है धरती टूट जाती है, वहाँ पर एक गड्ढा हो जाता है। लेकिन लूफी को इससे कुछ भी नहीं होता है क्योंकि लूफी की बॉडी रबर की बनी हुई थी। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि लूफी नामी को देखता है और नामी लूफी को, और नामी लूफी को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है कि वो आखिर
इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी कैसे बच गया। तो गाइज बताना आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यदि इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखना।